जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस मॉक टेस्ट 1 के सॉल्यूशन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों से वादा करा था कि हम लोग साइंस का मॉक टेस्ट द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे देंगे और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखेंगे, तो बिल्कुल आज से हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिस कड़ी में हम लोग पहले डिस्कस कर रहे होंगे साइंस मॉक टेस्ट 1 के सॉल्यूशन की। ध्यान दीजिएगा, अगर आप में से कोई मित्र अभी तक साइंस मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऐप पे रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको साइंस मॉक टेस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप अपना रैंक देख सकते हैं, आपने कितना स्कोर करा है, आपका कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो साइंस मॉक टेस्ट का सीरीज है ये हम लोग टोटल 20 करेंगे और लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या होगा, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पे होगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा, ये जो आपका साइंस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है और इसके जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु डैश की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन दिया हुआ है कि गति अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की, दूसरा ऑप्शन है कि गति को कम करने, और तीसरा ऑप्शन है घर्षण के कारण मंदन, और आपका चौथा ऑप्शन है कि गति बढ़ाने। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो क्या होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये जड़त्व क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इनर्सिया कहते हैं। और जड़त्व है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक वस्तु का गुण होता है। जड़त्व क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि इनर्सिया क्या है, जड़त्व क्या है, आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु का गुण है जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे वस्तु का अवस्था से क्या मतलब हो जाएगा? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि वस्तुएं आपके आसपास में या तो रेस्ट पोजीशन में हो सकती है, विरामावस्था में मतलब कि रुकी हुई हो सकती है, या फिर गति में हो सकती है। और जड़त्व का जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतियावस्था में है तो वो गतियावस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और हर एक वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, और वस्तु का यही गुण क्या कहलाता है, जड़त्व, यानी कि इनर्सिया कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु डैश की प्रवृत्ति होती है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा, आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जड़त्व का संख्यात्मक मान होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो आप कहेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। ना हो तो स्टार मार्क देकर के आप इस चीज को भी अपने कॉपी में लिख लेंगे कि जड़त्व का संख्यात्मक मान इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे क्या बोला जाता है, तो जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। और साथ ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आपको क्या मिलती है, तो बल के लिए परिभाषा मिलती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। ऑप्शन दिया हुआ है आयाम, दूसरा ऑप्शन है आवर्तकाल, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति, चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है।
मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी जब ध्वनि तरंग एक संपूर्ण दोलन करेगा और उस संपूर्ण दोलन में जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? आप कहेंगे उस ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा, यानी कि टाइम पीरियड कहलाएगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरु जी जब भी हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टाइम पीरियड की बात करते हैं, यानी कि आवर्तकाल की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि दोलन करने में या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है इसी को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है, आप क्या कहेंगे कि गुरु जी आवर्तकाल। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा कि गुरु जी आवर्तकाल ऑप्शन नंबर बी में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आवर्तकाल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आवर्तकाल को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या होता है? रिलेशन होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इस दोनों में क्या होता है? एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मेरे मित्र जब आप एफ इक्वल टू वन बटा टी लिखते हो तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे वन बटा एफ हो जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आवर्तकाल के लिए आप लोग फार्मूला क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वन बटा एफ लिख सकते हैं, जहां पे एफ क्या है? आप कहिएगा आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो आयाम भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयाम को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयाम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि तरंगों का माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। न याद रहे तो आप सभी लिख लेंगे कि तरंगों का माध्य स्थिति से, तरंगों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन आयाम कहलाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। बहुत सारे मित्रों को लग रहा होगा कि गुरुजी इस एम्पलीट्यूड को हम लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्या है कि वेव का प्रोपेगेशन है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आयाम क्या होगा? हमने क्या लिखा कि तरंगों के माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका ऊंचाई है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को आयाम बोला जाता है, यानी कि इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे क्या कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? तरंगों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में आवृत्ति भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवृत्ति को ही हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी कण के द्वारा एक सेकेंड में जितना कंपन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका शुद्ध मीनिंग क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो कोई भी कण एक सेकेंड में जितनी बार अपने गति को रिपीट करता है वही उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और ध्यान देंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि गुरुजी जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि एफ जो है वो टी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एफ टी इक्वल टू वन हो जाएगा और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी वन बटा एफ हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो तरंग दैर्ज भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तरंग दैर्ज को हम लोग सीधे तरंगों के लंबाई से जोड़ करके देखते हैं। और तरंग दैर्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो ये कहते हैं कि गुरुजी तरंगों को प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो कोई भी माध्यम जिसमें तरंग का गमन हो रहा है उसमें कौन सा दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उस माध्यम में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी होना चाहिए और साथ ही साथ जड़त्व का प्रॉपर्टीज होना चाहिए।
तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का निम्नलिखित में से गुण है, आप क्या कहेंगे? प्रत्यास्था और जड़त्व। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, अप्रभावित रहेगा। दूसरा ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आधा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कम हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आपको ये कहा जाता है कि कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, तब आप इसका प्रतिरोध क्या कहते हो? तो आप कहते हैं कि गुरुजी R इक्वल टू हो जाता है रो L बटा A। क्या हो जाता है? R इक्वल टू रो L बटा A। कब? जब तार की लंबाई L होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो गुरुजी A होता है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। और जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि R1 बटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 बटा L2। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि जो प्रतिरोध है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा L2 लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो आपका L लंबाई का तार है इसमें और अधिक तार जोड़ दिया जाता है जिससे तार की लंबाई क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तार की लंबाई दोगुनी होती है वो हमारा L2 होगा, और L2 किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो तार का लंबाई L था इसी में ना जोड़ा गया तार। मतलब क्या कि L1 में क्या हो गया सर, तो और अधिक तार जोड़ा गया जिससे तार की लंबाई क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो क्या हम L2 इक्वल टू 2L1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा L2 होता है, तो सेम इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि R1 बटा R2 इक्वल टू L1 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, L2 के जगह क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरु जी 2L1 का है, तो तार में और अधिक तार जोड़ करके इसके लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो जो लंबाई दोगुना होगा वो जो पहले लंबाई था उसी का दोगुना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग 2L1 लिख देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये L1 इसके साथ सेटल हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी अगर तार जोड़ने से तार की लंबाई दोगुनी हो जा रही है तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दोगुना हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में दोगुना है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आवर्तकाल, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य और चौथा ऑप्शन है आयाम। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी जस्ट अभी इसी सेशन में आपने बताया है कि जब हम लोग आवृत्ति की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो एक निश्चित टाइम पीरियड में कणों का दोलन करने की संख्या होती है। आवृत्ति का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी कण अपने गति को प्रति इकाई समय में कितना बार रिपीट कर रहा है, यानी कि कितना बार दोहरा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। आप कहेंगे सर जी आवृत्ति, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहिएगा दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल और आयाम, इस तीनों ही चीज़ को हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस करा है,
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 20 हर्ज से कम, 20 किलो हर्ज से अधिक, आपका तीसरा है 200 हर्ज और 2000 हर्ज के बीच, और चौथा ऑप्शन है 20 हर्ज और 20 किलो हर्ज के बीच। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या होती है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी, अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे, किसके बेस पे? फ्रीक्वेंसी के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे कुछ वेव के कैटेगरी की, कुछ वेव के कैटेगरी की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सामान्यतः जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर वेव को कैटेगराइज किया गया है वो कितने कैटेगरी में किया गया है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी तीन कैटेगरी में किया गया है। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है इंफ्रासोनिक वेव। पहला कौन सा होता है? इंफ्रासोनिक वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपश्रव तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अपश्रव तरंगे कहते हैं, और इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी 20 हर्ज से नीचे होती है। जो आपका अपश्रव तरंगे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 हर्ज से नीचे होती है। और आपका दूसरा कौन सा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक वेव। दूसरा कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव तरंग कहते हैं। और मेरे मित्र, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ज से ऊपर की होती है। 20,000 हर्ज से क्या होती है? ऊपर की होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20,000 हर्ज है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग 20 किलो हर्ज भी कह सकते हैं। यानी कि आपका जो 1 किलो हर्ज होगा वो कितने के बराबर होगा? तो 1000 हर्ज के बराबर होगा। यहाँ पे 20,000 हर्ज है तो ये कितना हो जाएगा किलो हर्ज? आप कहेंगे 20 किलो हर्ज हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्रासरब तरंगे होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है? 20 किलो हर्ज से ऊपर का होता है। क्या होता है? 20 किलो हर्ज से ऊपर का होता है, यानी कि 20 किलो हर्ज से अधिक होता है, या इसी को हर्ज में बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? 20,000 हर्ज से अधिक होता है। और साथ ही जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं? ऑडिबल साउंड वेव की। किसकी बात करते हैं? ऑडिबल साउंड वेव की, यानी कि जो सुनने वाली तरंग होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। कितनी होती है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑडिबल साउंड वेव होता है यानी कि जो सुनने योग्य ध्वनि तरंगे होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज के बीच होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। आप कहेंगे गुरुजी पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम होगा तो कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड वेव हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है 20 किलो हर्ज से अधिक, आप कहेंगे गुरुजी यह है तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या होती है उसका क्या है? रेंज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चेला? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में 200 हर्ज और 2000 हर्ज के बीच दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जबकि जो चौथा ऑप्शन है 20 हर्ज और 20 किलो हर्ज के बीच, आप कहेंगे कि गुरुजी ये ऑडिबल साउंड वेव यानी कि वैसे ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसकी आवृत्ति का क्या होता है? परिसर होता है, यानी कि रेंज होता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे कुछ वेव के कैटेगरी कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आवृत्ति के आधार पर तरंगों को सामान्यतः हम लोग तीन कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सा? अपश्रव तरंगे, पराश्रव तरंगे, और साथ ही साथ ऑडिबल साउंड वेव यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे, या इंग्लिश में हम लोग ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। श्रव्य तरंगे का मतलब वैसा ध्वनि तरंग जिसको हम लोग सुन सकते हैं, या वैसा तरंग जिसको हम लोग सुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल सर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 कूलम के आवेश को 2 बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच संभावित विभव अंतर क्या होगा? ऑप्शन है 24 वोल्ट, 216 वोल्ट, 240 वोल्ट और 2.4 वोल्ट। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने पीछे के सेशन में बताया है कि विभवांतर के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी W बटा Q लिखते हैं, यानी कि कार्य बटा आवेश का जो अनुपात होता है या कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में किया गया कार्य कितना है, 72 जूल, विभवांतर निकालना है जबकि आवेश कितना है 3 कूलम, क्या कहिएगा 24 या 72 हो जाएगा, यानी कि भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी 24 वोल्ट हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 24 जो है वो हमारे पहले ही ऑप्शन में, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विभवांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, तो विभवांतर के लिए फार्मूला होता है W बटा क्यू, यानी कि कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो गुरुजी कार्य भी निकाल सकते हैं, और इन तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ रहेगा तो एक तो आसानी से निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है 100 ग्राम का एक गोली को 400 मीटर पर सेकंड के वेग से मुक्त करती है, गोली पर औसत बल जो कि पाउडर द्वारा लगाया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है 80 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 8000 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 400 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे मित्र आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल प्रश्नों को करें तो आपके क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको आप एक बार लिख लें। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में राइफल के नली की लंबाई कितनी है, राइफल के नली की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे कि गुरुजी 1 मीटर दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहिएगा कि गुरुजी गोली का द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम दिया हुआ है, और साथ ही गोली का वेग कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी गोली का वेग जो है वो 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पाउडर द्वारा जो गोली पर लगाया गया बल है वो कितना है, यानी कि F इक्वल टू वाट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो कई दफ़ा पढ़ा है कि F इक्वल टू फार्मूला होता है MA, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गोली का द्रव्यमान तो दिया गया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, तो मेरे मित्र एक्सेलरेशन हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा। आप कहेंगे कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो समय भी नहीं दिया हुआ है, मेरे मित्र आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो राइफल की नली की लंबाई है वो 1 मीटर है, और जैसे ही राइफल का ट्रिगर दबाया गया होगा तो गोली क्या होगा, तो सर आप कहेंगे राइफल के नली से बाहर आएगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब गोली राइफल के नली से बाहर आएगा तब उसका वेग कितना है, तो 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये गोली का क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये गोली का अंतिम वेग होगा, यानी कि भी होगा, भी इक्वल टू कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा कि जब राइफल का ट्रिगर दबाया गया होगा तो गोली अचानक से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से नहीं जा रही होगी, या अचानक से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू नहीं कर दिया होगा, जब वो राइफल की नली से बाहर आया है तब उसका वेग कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब ट्रिगर दबा होगा तब ये 0 से स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल सर। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो U इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल मेरे मित्र, और मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि जैसे ही ट्रिगर दबाया गया होगा गोली जब चलना स्टार्ट करा होगा तो 0 से चलना स्टार्ट करा होगा, और राइफल की नली से निकलने के बाद उसकी वेग कितनी हो गई होगी, 400 मीटर पर सेकंड हो गई होगी, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, आप कहेंगे 0, अंतिम वेग कितना होगा, आप कहेंगे भी। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि गोली जो है वो 0 से चलना स्टार्ट करा और कुछ दूर तय करने के बाद उसका वेग कितना हो जा रहा है, 400 मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे गुरुजी आप कैसे समझ गए कि कुछ दूर तय करने के बाद उसका वेग 400 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो मेरे मित्र गोली राइफल के नली से बाहर भी तो आएगा, और राइफल के नली से जब वो बाहर आएगा तो नली की जितना लंबाई होगी उतना तो दूरी वो कवर कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और भाई मेरे आपके क्वेश्चन में राइफल के नली की लंबाई कितना है, 1 मीटर, तो ये आपके लिए क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ये गोली के द्वारा क्या है सर, तो 400 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करने में तय की गई दूरी है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कहेंगे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरे मित्र याद कीजिए गति के तीसरे समीकरण को, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गति का तीसरा समीकरण कहता है कि v² = u² + 2as होता है,
क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो आपके क्वेश्चन में वी भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, ए ना निकल जाएगा? चला, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से निकल जाएगा, तो निकाल लो। यहाँ पे वी स्क्वायर है, 400 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है, अंतिम वेग है, तो लीजिए 400 का स्क्वायर कर दिए, यू इक्वल टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी तो एक लिखबे मत कीजिए, क्योंकि जीरो को किसी के साथ गुना करेंगे तो सबको जीरो कर देगा, स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, तो सर जीरो ही होगा। तो मेरे मित्र आपको ये भी तो मैंने आपको बताया है कि अगर u इक्वल टू जीरो, प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, टू ए एस हो जाता है। यहाँ पे भी क्या है, प्रारंभिक वेग जीरो है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा टू ए एस हो जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे टू ए एस सीधे नहीं लिखते हैं, हम लोग टू इन टू ए लिख लेते हैं और एस के जगह क्या करते हैं, तो राइफल के नली की जो लंबाई है उसको लिख देते हैं। आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का स्क्वायर अब बटा 2, क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर बटा 2। मेरे मित्र ध्यान देंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो यहाँ पे 400 है इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 400 का 16 तो हो ही जाएगा, अब 4 को जीरो एक पर रख दीजिए, तो लीजिए हमने 4 जीरो रख दिया, अब बटा क्या हो गया, तो गुरुजी बटा 2 हो गया। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 8 पर 4 को जीरो रख दीजिए, लीजिए 8 पे 4 को जीरो हमने रख दिया, ये क्या है सर, तो एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन है। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यह एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, इसको हमको क्या करना होगा, तो सर इसको हमको केजी में बदलना होगा, तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे 100/1000 कर देंगे, 100 क्या करेंगे 1000 कर देंगे। मेरे मित्र क्या हम लोग इसको 100 × 10⁻³ लिख सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1000 से हम इसको डिवाइड करें या फिर इसको 10³ के रूप में लिख करके ऊपर ले जाएं तो 10⁻³ के रूप में लिख दें, बतवा क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग केजी लगा देते हैं, अब आपको मास भी मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया, बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि m के जगह हम लोग क्या रखेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी m के जगह 100 × 10⁻³ केजी हो जाएगा, काहे, तो गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम था, इसको हमने क्या करा केजी में बदल दिया, और साथ ही एक्सेलरेशन कितना है, आप कहिएगा कि गुरुजी एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा 8/4 8 पर क्या है 4। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो आपका 10⁻³ है, क्या हम इसको ऐसे 100 × 1/1000 लिख दें? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या है कि इसी चीज़ को आपने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अगर 1/1000 लिख देंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फिर क्या होगा, 8/4 हो जाएगा, ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, और 100 और 80 को जब आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी 8000 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8000 न्यूटन। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 100 ग्राम का एक गोली को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से मुक्त करती है, तो गोली पर औसत बल जो कि पाउडर द्वारा लगाया गया है, आप कहेंगे 8000 न्यूटन। देख लीजिए कि किस ऑप्शन में, आप कहिएगा गुरुजी दूसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये दूसरा स्टेप लिखा है, नहीं तो दूसरा स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10⁻³ आप सभी समझ रहे हैं कि ये 1/1000 होगा, तो 10⁻³ जो है ये सीधे यहाँ से आप कट करके इसके 3 जीरो को उड़ा सकते थे और 80 और 100 को गुना करके 8000 लिख सकते थे। आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से जाए इसलिए मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही तुच्छा सा सवाल होगा, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर, दूसरा ऑप्शन है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर, तीसरा ऑप्शन है वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर पर, और चौथा ऑप्शन है दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में बात किया जा रहा है अवतल दर्पण की। किसकी बात की जा रही है? अवतल दर्पण की। और क्या कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। मतलब क्या हुआ कि वस्तु दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे कैसे चेला? तो आप कहिएगा गुरु जी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि यू को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वस्तु दूरी कहते हैं, और भी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु आपका अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है? तो 4 गुना आवर्धित है। यानी कि यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन है यानी कि आवर्धन है वो कितना है? आप कहेंगे गुरुजी जब 4 गुना कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना होगा? माइनस 4 होगा। आप कहेंगे गुरुजी माइनस का ही लगा रहे हैं? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं माइनस भी बटा यू होता है। तो आवर्धन का जो वैल्यू माइनस में आता है वो क्या बताता है? तो गुरुजी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इस चीज को बताता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एम इक्वल टू माइनस 4। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा यानी कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। सीधे सीधे आप कहेंगे कि गुरुजी हमको भी निकालना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस भी बटा यू, जहाँ पे भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है? वस्तु दूरी। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के सहारे ये कह सकते हैं कि अगर m के जगह क्या रखा जाए? माइनस 4 रखा जाए, और साथ ही साथ भी तो हमको निकालना ही है, यहाँ पे माइनस साइन जाएगा सर, और साथ ही साथ आपका u कितना है? तो गुरुजी माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये माइनस तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा कि गुरुजी v इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40। क्या हो जाएगा? माइनस 40। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तविक है, और प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब दूरी में माइनस लगा हुआ है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा। और कितना दूरी पे बनेगा? तो सर वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन जो करा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप कहेंगे वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक परिपथ में कई बल समांतर संयोजन में जुड़े हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन बल्बों के साथ क्या होगा? बताइए बल्ब वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बहुत सारा बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा और उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो परिपथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्य सभी बल्ब क्या होंगे? चमकते रहेगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है कि अन्य सभी बल्ब चमकना बंद कर देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत बात है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि कुछ बल्ब चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कुछ बल्ब फट गए, आप बोले ऐसा संभव ही नहीं है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि अन्य सभी बल्ब चमक रहे हैं। आप कहेंगे गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई मेरे आप सभी क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी बल्ब में से कोई सा भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है या किसी कारणवश से नहीं जल पाता है तो बाकी के अन्य बल्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी बल्ब क्या होंगे? तो सर चमकते रहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? आप क्या कहेंगे? हैमर, एनविल और स्टिरप। जिसमें स्टिरप को क्या बोला जाता है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में हैमर, एनविल और स्टिरप है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में हैमर, एनविल और स्टिरप लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा ऑप्शन है फिलपों, तीसरा ऑप्शन है हैजा, चौथा ऑप्शन है कुष्ठ रोग। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी वोकल सीरीज में आपने बताया है
कि जो पाँव में सूजन हो जाती है वो किसके वजह से, तो आप कहते हैं फील पाँव के वजह से। तो क्वेश्चन क्या करा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है, आप कहेंगे फील पाँव, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो फील पाँव नामक बीमारी है, जो फील पाँव नामक बीमारी है ये एक्चुअली में किसको प्रभावित करती है, तो इंसान के लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है, साथ ही नारी को भी प्रभावित करती है, लसिका ग्रंथि एवं नारियों को प्रभावित करती है, नारियों को प्रभावित करती है। और इसका लक्षण क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी पैर जो है वो फूल के हाथी जैसा हो जाता है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फील पाँव बोला जाता है, या कभी कभी आम बोलचाल के भाषा में हाथी पाँव भी बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि फील पाँव जो है वो किसके वजह से होता है, तो राउंड वर्म के वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी गोल कृमी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल कृमी कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तपेदिक दिया हुआ है, ये बताओ तपेदिक क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तपेदिक को ही हम लोग गाँव घर के भाषा में क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी, या फिर इसी को हम लोग और स्टैंडर्ड भाषा में क्षय रोग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो तपेदिक या क्षय रोग है ये किसके वजह से होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, नामक जीवाणु द्वारा होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में हैजा दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली हैजा जो है वो किसके वजह से होता है, तो दूषित पानियों के सेवन करने के वजह से होता है, और हैजा और दस्त दोनों क्या होता है सर, तो साथ में आता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हैजा किस वजह से होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हैजा जो है वो विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी नामक, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। साथ ही आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में कुष्ठ रोग भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे कि फील पाँव क्या होता है, आप कहेंगे कि इसमें पैरों में सूजन आ जाता है, जो पैर है वो फूल करके हाथी के पैर के जैसा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको हाथी पाँव भी कहते हैं। किस वजह से होता है, राउंड वर्म के वजह से होता है, किसको प्रभावित करता है, इंसान के लसिका ग्रंथि यानी कि लंप सिस्टम और नाड़ियों को प्रभावित करता है। तपेदिक क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को टीबी बोला जाता है या फिर क्षय रोग बोला जाता है, किसके वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है या इसके प्रभाव से होता है, और कुष्ठ रोग को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे हैंसन रोग भी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है अपेंडिक्स, तीसरा ऑप्शन है कान की मांसपेशी, चौथा ऑप्शन है अकल दांत यानी कि बुद्धि दांत। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी अवशेषी अंग होता क्या है, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, और वैसे अंग जिसका हमारे शरीर या फिर हमारे डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अवशेषी अंग बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अवशेषी अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या याद आता है कि गुरुजी कान की जो मांसपेशी होती है इसका कोई यूज ही नहीं होता है, और साथ ही साथ जो आप सभी बुद्धि दांत के बारे में सुनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकल दाढ़ कहते हैं, इसका भी क्या है, तो सर हमारे शरीर में कोई यूज ही नहीं है। इसी तरह से जो हम लोग अपेंडिक्स की बात करते हैं, अपेंडिक्स भी क्या है, तो गुरुजी ये भी अवशेषी अंग है, इसका भी हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है। और इसी तरह से जो टॉन्सिल है आपके गला में ये भी क्या है, अवशेषी अंग है, इसका भी कोई यूज नहीं है। साथ ही जो साइनस है ये भी क्या है सर, अवशेषी अंग है, और नरों में जो निप्पल होता है
नरों में जो निप्पल होता है ये भी क्या है, अवशेषी अंग है, इसका भी कोई यूज नहीं होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि अवशेषी अंग क्या होता है, आप कहेंगे वैसा अंग जिसका हमारे शरीर के द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग कौन से हैं, तो आप इसमें से कोई एक दो तीन एग्जाम्पल दे देंगे, आपका काम बन जाएगा। और ऐसे आप सभी अपने एग्जाम दृष्टिकोण से अपने माइंड में रखेंगे कि कान की मांसपेशी हो या फिर बुद्धि दांत हो, अपेंडिस हो, टॉन्सिल हो, साइनस हो, नरों में निप्पल हो, दैट्स ऑल आर वेस्टिगल ऑर्गेन, ये सब के सब क्या है, अवशेषी अंग है। आप कहेंगे कि गुरु जी हमारे ऑप्शन में मस्तिष्क, अपेंडिक्स और कान की मांसपेशी और साथ ही अकल दांत दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, ये तीनों ही क्या है, अवशेषी अंग है। जबकि अगर हम लोगों का ब्रेन सही नहीं रहेगा या हम लोगों के अंदर ब्रेन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क जो है वो अवशेषी अंग नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑप्शन है पुष्पी पादप, दूसरा ऑप्शन है बीजयुक्त पादप, तीसरा ऑप्शन है बीज विहीन पुष्पी पादप और चौथा ऑप्शन है फलयुक्त बीजीय पादप, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म इन चारों में से क्या होते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट की, किसकी बात करते हैं प्लांट की, और साथ ही साथ प्लांट के अलग अलग संघ की या अलग अलग वर्ग की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट को पांच वर्ग में डिवाइड करा गया है या फिर पांच कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, और ये पांच कैटेगरी कौन कौन सा है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है गुरुजी टेरिडोफाइटा, चौथा क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी जिम्नोस्पर्म होता है, और पांचवा क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी एंजियोस्पर्म होता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, क्षमता नहीं होती है। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, तो क्या हम लोग इसको बीज विहीन पादप कह सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम लोग इसको बीज विहीन पादप कह सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कह सकते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वैसे पादप जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, तो सर जी उसको क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्टोगेम कौन कौन है, आप कहेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, काहे है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। और मेरे मित्र इसी को क्या बोला जाता है, फेनेरोगेम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेनेरोगेम्स बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बीजयुक्त पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजयुक्त पादप कहते हैं। अलग बात यह है कि जिम्नोस्पर्म का जो बीज होता है उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है इसलिए इसको नग्न बीजी बोला जाता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है इसके बीज के ऊपर में आवरण होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आवर्त बीजी बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट के पांच अलग अलग ग्रुप हैं उसमें से तीन ऐसे ग्रुप हैं जो बीज उत्पादन नहीं करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, बीज विहीन पादप या फिर क्रिप्टोगेम्स, और दो ऐसे ग्रुप हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं जिसमें बीज उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, फेनेरोगेम्स, और साथ ही बीजयुक्त पादप, और वो कौन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, आप कहेंगे गुरुजी ये तो बीजयुक्त पादप होते हैं और बीजयुक्त पादप आपके ऑप्शन नंबर बी में है इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है गुणसूत्र से, दूसरा ऑप्शन है माँ के रक्त समूह से, तीसरा ऑप्शन है पिता के रक्त समूह से, और आपका चौथा ऑप्शन है माता पिता के आरएच कारक से।
मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि जो सेक्स का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, वो किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, आप कहेंगे गुरुजी सीधे सीधे गुणसूत्र से निर्धारित होता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो माँ का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह और माता पिता का आरएच फैक्टर दिया हुआ है, इसका बच्चे के लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, आपने झट से कह दिया गुणसूत्र से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है, माता के गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र, माता पिता दोनों के गुणसूत्र या नन ऑफ दीज, तब आपका आंसर क्या होता? तो मेरे मित्र, यहीं पे आप सभी नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट दे करके कि बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्र से और इस तरह से माता पिता का ब्लड समूह आरएच फैक्टर दिया हुआ है, तब तो सीधे आंसर गुणसूत्र हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे का लिंग इन चारों में से किससे निर्धारित होता है, ऑप्शन में है माता का गुणसूत्र, पिता का गुणसूत्र, माता पिता दोनों का गुणसूत्र और नन ऑफ दीज, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बच्चे का लिंग जो है वो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में शर्करा का सामान्य परिवहन रूप डैश है। ऑप्शन है गैलेक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज और आपका चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पौधे में शर्करा का समान परिवहन रूप है वो क्या है? आप कहिएगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? तो आप याद रखेंगे ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे एक छोटा सा बात और, जो आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी पौधे में शर्करा का समान परिवहन रूप सुक्रोज है और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से केन सुगर है, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सुक्रोज को जो है वो केन सुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केन सुगर भी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि सुक्रोज जो को केन सुगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति जो है वो कहाँ से होता है? गन्ना से होता है, सुगर केन से होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? केन सुगर भी बोला जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? केन सुगर बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो गैलेक्टोज दिया हुआ है, तो जरा सा हमको ये बताओ कि जो हमारे ऑप्शन में गैलेक्टोज दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि गैलेक्टोज हम गलती लिख रहे हैं लेकिन अब सुधार दिए, तो जो आपका गैलेक्टोज दिया हुआ है और साथ ही साथ जो ग्लूकोज दिया हुआ है और तीसरे ऑप्शन में जो आपका फ्रक्टोज दिया हुआ है, कोई भी आपसे पूछ दे कि चला ये बताओ कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तीनों कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सुक्रोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जबकि गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि गैलेक्टोज को कौन सा शुगर बोला जाता है, तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ब्रेन शुगर कहलाता है, आप कहेंगे गैलेक्टोज। आप कहिएगा कि गुरुजी ये बताओ फिर ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, मेरे मित्र ग्लूकोज को मानव शरीर का ईंधन बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव शरीर का ईंधन है, आप कहेंगे ग्लूकोज।
आप कहिएगा कि गुरुजी ये बताओ फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, तो मेरे मित्र इसी को फ्रूट शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रूट शुगर बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि सुक्रोज को केन शुगर बोला जाता है, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर बोला जाता है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोला जाता है और ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का फ्यूल यानी कि ईंधन बोला जाता है। ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ह्यूमन किडनी का नॉर्मल कार्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण। आप कहेंगे बिल्कुल, ब्लड में जो वाटर की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। और आपका दूसरा ऑप्शन है रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्लड में शुगर लेवल का जो कंट्रोल होता है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है और ये सारे फंक्शन पेनक्रियाज के द्वारा होता है, ये क्या है? किडनी का काम नहीं है। तो मेरे मित्र ज़्यादा ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काहे? तो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन हमने देखा वो कार्य था, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो गुरुजी ये पेनक्रियाज का कार्य है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी अमीबा, अमीबा ओपेलाइना एवं प्लाज्मोडियम किस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव हैं। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, एसके हेलमेंटिस। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अमीबा, एंट अमीबा, ओपेलाइन और प्लाज्मोडियम ये सब के सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में तो पॉडीफेरा भी दिया हुआ, ये बताओ कि पॉलीफेरा संघ के जंतु कौन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जंतु सामान्यतः क्या होते हैं? तो एस्पॉन्जी होते हैं। क्या होते हैं? एस्पॉन्जी होते हैं और ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो सर समुद्र में मिलता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग बात करते हैं हाइलेनमा की, हाइलोनमा होता है सर, ठीक है, हाइलेनमा नहीं होता, हाइलोनमा की। और साथ ही जो हम लोग बात करते हैं युप्ले कटेला की, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में सिलेंट्रेटा भी दिया हुआ, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु होते हैं ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? समुद्र में ही मिलेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के अंतर्गत कौन आ जाता है? तो हाइड्रा या फिर ऑरेलिया जैसे जंतु आ जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन में तो एसके हेलमेंथिस दिया हुआ है, मैंने कल के सेशन में भी बताया, किसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेमाटोडा कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? तो जो बुचेरिया है, एस्केरिसिस है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? एसके हेलमेंथिस के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि एसके हेलमेंथिस को क्या बोला जाता है? नेमाटोडा। और गोल क्रीमी भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। ऑप्शन है NaOH, दूसरा ऑप्शन है KOH और आपका तीसरा ऑप्शन है NH4OH और आपका चौथा ऑप्शन है C2H5OH। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बेस की बात करते हैं यानी कि क्षार की बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर क्या करते हैं? OH- आयन प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहला ऑप्शन में क्या है आपका? NaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है आपका? आप कहेंगे क्षार है। इसी तरह आपका दूसरा ऑप्शन है KOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी क्या है? आप कहेंगे बेस है यानी कि क्षार है। और आपका तीसरा है NH4OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी क्या है आपका? तो गुरुजी ये भी क्षार है। और साथ ही आपका चौथा ऑप्शन क्या है? तो गुरुजी चौथा ऑप्शन है C2H5OH। और ये जो C2H5OH है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को इथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेनॉल बोला जाता है। और ये जो OH है ये क्या है? तो अल्कोहल ग्रुप का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है।
आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था, इन चारों में से क्षार नहीं है, आप क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये तीनों क्या है, क्षार है, जबकि C2H5OH इसको एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बोला जाता है, और ये क्या है, क्षार नहीं है, क्या है सर, तो अल्कोहल है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता का माप है। पहला ऑप्शन है प्रोटोनों को आकर्षित करने, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने, और चौथा ऑप्शन है प्रोटोनों को प्रतिकर्षित करने। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी 1000 बार आपने बताया है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, ये किसकी क्षमता का माप होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की माप होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है परमाणु में नाभिक। क्या कहेंगे कि गुरु जी जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों से क्या करवाया था, बम्बार्डमेंट करवाया था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है वो सीधे निकल जा रही है और कुछ किरणें जो है वो लौट करके आ जा रही है, और ऐसा एक दो किरण था हजार में से जो क्या हो रहा था, तो लौट करके आ जा रही थी। और रदरफोर्ड ने इस बात से क्या पता लगाया कि ये जो किरण यहाँ से मुड़ करके आ रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है, और इसी चीज़ को बाद में उन्होंने किसका नाम दिया, तो नाभिक का नाम दिया, जो क्या कहलाया, तो गुरुजी परमाणु का नाभिक कहलाया। और इसीलिए रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, आप कहेंगे परमाणु में नाभिक की खोज हुई, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने करा था। और आपका दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा था, लेकिन अभी हम लोगों को नया ट्रेंड में एग्जाम में क्या मिलता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करा था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में एक्सप्लेनेशन गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में आकर के रदरफोर्ड ने उस चीज़ को प्रूफ करा था, इसीलिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करा, जबकि पुराना बुक पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा। आपका अगला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने करा था। ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के उप परमाणु कम है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं ये परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो अभिक्रिया आपको दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये मैग्नीशियम और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। आपका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन की यानी कि ऑक्सीकरण की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जाकर के जुट जाता है तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, तो गुरुजी रिडक्शन हो जाता है। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि जब MgO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या हो रहा है, तो गुरुजी मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, मैग्नीशियम बेचारा अकेला पड़ जा रहा है, और ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के जुट जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और क्या बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि आपके इस अभिक्रिया में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। काहे चला, तो गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है तभी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जबकि ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? तो गुरुजी बाहर निकल जा रहा है। तो मेरे मित्र, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO, Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि अवकरण होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक यौगिक डैश, ऑप्शन है विद्युत के कुचालक होते हैं, दूसरा है का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, तीसरा है जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोई भी जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है यानी कि सहसंयोजी यौगिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम सहसंयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं तो इस यौगिक में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे साझा वाला बॉन्ड होगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, और ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा, ये विद्युत का कुचालक होगा और इसकी गलनांक और क्वथनांक निम्न होगी, तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी ऑप्शन सही हैं? मेरे मित्र बिल्कुल सही है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन होगा, ऑप्शन है 22.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.24 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.224 लीटर, और चौथा ऑप्शन है 0.1 लीटर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 का STP पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं CO2 के एक मोल की, CO2 के एक मोल की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो CO2 का एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है? तो 44 ग्राम के बराबर होता है। क्या है? तो किसी भी यौगिक का एक मोल उसके अनुभार के बराबर होता है। यहाँ पे जो CO2 है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 12 होगा। और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 16, दो को है तो 32, 12 प्लस 32 ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 3 1 4 44, यानी कि हम कह सकते हैं कि CO2 के एक मोल में 44 ग्राम होता है। कितना होता है? 44 ग्राम होता है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि CO2 गैस है, CO2 क्या है? गैस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि STP पर एक मोल CO2 का आयतन कितना होगा? STP पर एक मोल CO2 का आयतन कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी STP पर एक मोल CO2 का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि STP पर 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर, यहाँ पे आपने एक मोल लिख दिया, यहाँ पे मोल ना लिख करके उसका क्या लिख दिया सर? तो सर एक मोल में कितना ग्राम होता है उस चीज़ को लिख दिया। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी STP पर 44 ग्राम CO2 जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम CO2 जो है STP पर कितने के बराबर होगी? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर जी, 22.4 को क्या कीजिए? 44 से डिवाइड कर दीजिए। मेरे मित्र जब आपको ये मालूम चल गया कि 1 ग्राम CO2 STP पर इतना होगा, तो आप ये ना कह सकते हैं कि 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन क्या होगा? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर, 1 ग्राम का निकल गया है, इतना का हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी
एक ग्राम CO2 का STP पर आयतन इतना है 22.4 बटा 44, यहाँ पे 4.4 ग्राम का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 4.4 हो जाएगा। मेरे मित्र पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये 44 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 224/100। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.24, कितना आ जाएगा 2.24। अगर उधर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो सर यहाँ पे हम नीचे में लिख दे रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.24। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी 2.24 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ओजोन मंडल है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ओजोन मंडल जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ओजोन का अनुभार कितना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन का अनुभार 48 ग्राम हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि CHCl3 का IUPAC नाम है। ऑप्शन है ट्राइक्लोरोइथेन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा ऑप्शन है एथेनॉल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि CHCl3 का IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है? ध्यान देंगे कि IUPAC नेम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो CHCl3 है इसका IUPAC नेम क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसी का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि CHCl3 का IUPAC नाम है, आप कहेंगे कि गुरुजी क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है और ये चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो ट्राइक्लोरोइथेन भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्राइक्लोरोइथेन की, तो इसके लिए हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला क्या लिखते हैं? इसके लिए हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं C2H3Cl3। क्या लिखते हैं? C2H3Cl3। और ध्यान देंगे ये क्या है आपका, तो सर इसी को हम लोग क्लोरोथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोथीन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोथीन का IUPAC नेम क्या होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोथीन का IUPAC नेम ट्राइक्लोरोइथेन होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H3Cl3 होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। भाई बाबा मेरे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो एथेनॉल भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि इथेनॉल क्या है। आप कहेंगे C2H5OH को इथेनॉल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा C2H5 का IUPAC नेम इथेनॉल है। C2H5OH का IUPAC नेम क्या है? इथेनॉल है। और इसका अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कॉमन नेम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा एथिल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सारे चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगर आपको इस टाइप का अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।